अब नन बस तुझसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, भूल के भी मेरे सामने मत आइए। अरे यार ये नन क्या करके मानेगी, गाइस हम लोग एक ही सेकंड से बचे हैं। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू रिवल। तो आज फिर से खेलने जा रहे हैं एविल नन। तो जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मेन डोर स्केप किया था, तो उस टाइम पे हम लोग तो स्कूल से भाग जाते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चलता है कि हमारे अलावा स्कूल में बच्चे भी थे। तो अभी यहाँ पर सीन ये है कि अभी हम लोग फिर से जाने वाले हैं एविल नन के स्कूल में, तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गेम में, और हर बार की तरह यहाँ पर डे वन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अभी हम लोग फिर से वही बोर्ड पे घिसा पीटी करने लग गए हैं, लिखने लग गए हैं कि अभी हम लोग अच्छे बनने जा रहे हैं। वैसे हम लोग पहले से बहुत अच्छे हैं और अभी हम लोग बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। बाय द वे, आप लोगों को ये वाला रूम तो याद ही होगा, और यहाँ पर देखो लास्ट टाइम हम लोग इसको चेक कर रहे थे, यहाँ पर ओपन लिखा आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने इस बटन को नोटिस नहीं किया था। इस बटन को दबाने से यहाँ पर अपना सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है। इस प्लैंक को हम लोग बंद कर देते हैं, वरना नन यहाँ पर आ गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस पूरे स्कूल में ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सिर्फ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक ग्रेल मिल चुका है, इस ग्रेल को हम लोगों को लेना है और यहाँ पर खड़े होना है, और इस ग्रेल को मुझे यहाँ पर लगाना है। अब गाइस इस ग्रेल को यहाँ पर लगाने से होगा क्या, वो आप लोग खुद ही देख लो। देखो यहाँ से एक लेजर निकलते हुए गई है, और अभी हम लोगों को कोई तो पेंटिंग शो हो रही है, ठीक है, तो इससे होने क्या वाला है। ओके, तो अभी ये यहाँ पर गोल गोल घूमने लग गया है, आई थिंक शायद हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ओके, ओ मुझे यहाँ पर कोई तो की मिल गई है, दी मिनी गेम रूम सॉल्व दी न्यू पजल टू गेट ए न्यू पीस ऑफ मास्क। ओ गाइस मुझे यहाँ पर अभी सब कुछ समझ में आ गया है। तो मुझे यहाँ पर एक पिंक की मिली है, और ये किसी न किसी रूम की की है। अब गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक मास्क क्राफ्ट करना है, एक मिस्टीरियस मास्क, जिसकी वजह से एविल नन हम लोगों को पहचान नहीं पाएगी और फिर वो हमारा पीछा भी नहीं करेगी। तो अभी हम लोगों को इस मास्क को क्राफ्ट करने के लिए कुछ पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके बदले में हम लोगों को मास्क पीसेस मिलेंगे, और इन मास्क पीसेस की वजह से हम लोग एक मिस्टीरियस मास्क क्राफ्ट कर पाएंगे। तो गाइस आज वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो जो भी लोग अपनी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज अपनी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस अभी हम लोगों को कोई तो मिनी गेम की पजल सॉल्व करनी है, जिसके लिए हम लोगों को ये एक पिंक की दी गई है, और मुझे पता है कि पिंक रूम कहाँ पर है। तो ये रहा सामने पिंक रूम, और इस पे अपना नाम भी लिखा हुआ है, मैंने आज इसको नोटिस किया है। बाय द वे ये डोर ओपन हो चुका है, और इस वुड प्लैंक को लगा देते हैं, वरना नन यहाँ पर भी अपना मुंह उठा के चली आएगी। ओके गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग मिनी गेम रूम में है, और यहाँ पर मास्क पीस लिखा हुआ है, तो मास्क पीस को लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 100 पॉइंट बनाने होंगे, और फिर हम लोगों को यहाँ पर एक मास्क पीस मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक गेम खेलना होगा। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से इस चेयर पर बैठ जाते हैं। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं। ओ यहाँ पर गन तो चल रही है, लेकिन ये गेम स्टार्ट नहीं हो रहा। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या है? ओ ये एक इंजन है, और यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को प्रेस करने पर ये इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे इस बटन को बार बार प्रेस करना होगा। अगर मैं यहाँ पर एक चिकन और उसका खाना ला के रख दूँ तो ये काम बन सकता है। जब चिकन खाना खाने के लिए उसमें चोंच मारेगी तो बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाएगा। तो चलो फिर, मुझे यहाँ पर एक चिकन चाहिए और उसका थोड़ा सा खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओ यहाँ पर नन खड़ी हुई है, ये नन यहाँ पर क्या कर रही है? इस ट्रैप डोर को ओपन करो, यहाँ पर थोड़ा सा साउंड करते हैं और इसको कंफ्यूज करते हैं। ये देखो ये कितनी पागल, इसको पता भी नहीं चला बीबी। ओ भाई चल गया, इसको पता चल गया। तो हम लोगों को एक चिकन चाहिए और उसका थोड़ा सा खाना चाहिए, लेकिन हम लोगों को भाई स्कूल में चिकन और उसका खाना कहाँ पर मिलने वाला है? तो गाइस चिकन और उसके खाने को हम लोग बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले जितने भी रास्ते यहाँ पर लॉक्ड पड़े हुए हैं ना सबको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल केबल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पैनल को ऑन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्मॉल केबल को ढूंढ लेते हैं। A few moments later. तो चलो गाइस फाइनली हम लोगों को स्मॉल केबल मिल गई है, एंड इस टाइम पे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी पैनल को चालू कर दिया है। तो थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर छानबीन कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे मुझे मुर्गी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसका खाना तो मिल ही सकता है। ओके गाइस, तो अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। ये एक लास्ट जगह बची है जो कि मैंने नहीं छानी। ओ गाइस फाइनली मुझे यहाँ पर एक चिकन मिल गई है, और चलो भाई फाइनली इतनी देर मेहनत करने के बाद कुछ तो फल मिला। अरे यार फल नहीं, हम लोगों को काफी देर मेहनत करने के बाद एक चिकन मिली है, और चिकन तो टेंशन मत ले, हम लोग तेरा चिकन डिनर नहीं करने वाले, बस तेरा थोड़ा सा काम है। तो चलो गाइस थोड़ा सा यहाँ से चिल्लर बटोर के और अपने हाथ में चिकन को लेकर हम लोग चलते हैं अपने मिनी गेम रूम में। ओके, तो ट्रैप डोर को करते हैं ओपन, लेट्स गो। ओ भाई ये क्या है, ये सब क्या है भाई, ये मेरे पीछे कर क्या रही थी भाई, ये कब मेरे पीछे आ गई मेरे को तो पता भी नहीं चला। अरे नहीं गाइस, अभी अपना यहाँ पर डे टू हो गया है, हम लोग आज तक इसके हाथों नहीं पकड़े गए, लेकिन आज जो इसने मुझे पीछे से धक्का किया है ना, सच में इसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया है। हम लोग गाइस स्कूल से दो बार भाग चुके, लेकिन इसने हम लोगों को एक बार भी नहीं पकड़ा, लेकिन आज जब पकड़ा है ना तो सच में बहुत ज्यादा डरा दिया है। अब गाइस इस बुढ़िया से मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया है, मैं तो उम्मीद ही करूंगी कि ये मेरे सामने ही ना आए। नहीं सामने से आ सकते हैं, लेकिन पीछे से धप्पा मत करियो भाई, बहुत ज्यादा डर लगता है जब भी ये मुझे पीछे से धप्पा करती है।
ओ गाइस, डर के चक्कर में हम लोग अपने चिकन को तो भूल ही गए। चल भाई चिकन, तू यहाँ पर अकेले क्या कर रही है? अगर नन ने तुझे देख लिया ना तो तेरा यहीं पे चिकन डिनर बना देगी। अब तो चुपचाप से बस मेरे साथ चल। बस सामने से नन आ रही हो, ठीक है? अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है? रास्ता बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से लेकर चलते अपने चिकन को। ठीक है गाइस, तो भी हम लोग चिकन को तो लेकर आ चुके हैं, बस इसका खाना बाकी है, फटाफट से इसको भी लेकर आते हैं। ओके गाइस, तो लगभग हम लोग सारा स्कूल छान चुके हैं, बस यही एक जगह बची है जहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल भी ताक झाकी नहीं करी है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओ गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पर बंच ऑफ कॉर्न मिल चुके हैं, इससे अपना काम चल जाएगा। तो चलो गाइस, फाइनली काफी देर ढूंढा ढांडी करने के बाद फाइनली हम लोगों ने फाइंड कर लिया है चिकन का फूड। अभी फटाफट से इसको लेकर चलते हैं। चलो भाई, इससे पहले कि नन यहाँ पे आए। वैसे नन यहाँ पे क्या करेगी? ओ भाई, करेगी नहीं, बहुत कुछ करेगी। नन कुछ भी कर सकती है। पीछे से धप्पा खाने के बाद मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में नन है कौन। तो नन एक ऐसी विशाल आत्मा है जो किसी को भी पीछे से धप्पा करके बहुत ही ज्यादा गंदे वाला डरा सकती है। तो जितना उसके नन से 200 मीटर की दूरी बना के रखे। ओके गाइस, तो बुढ़िया को काफी देर पागल बनाने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी मुर्गी के पास। तो अब तू फटाफट से अपने काम पे लग जा और हम लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं, अपने गेम खेलने के काम पे, ठीक है भाई? ओ भाई, ये स्टार्ट कैसे नहीं हो रहा? मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, मुर्गी ढूंढी, उसका खाना ढूंढा। चलो भाई, इसको स्टार्ट कर। ओ हो गया स्टार्ट। चलो भाई, अब गेम स्टार्ट करो। ओ नहीं यार, मुझे इस -10 की कैट पे नहीं मारना है, वरना अपने पॉइंट माइनस हो जाएंगे। मुझे सिर्फ इन +10 पर मारना है। ओके, और नहीं, ये -10 की कैट है, यहाँ पर +10 की कैट आ चुकी है, मुझे सिर्फ इन पर मारना है। चलो भाई, आंदो आंदो औरों को आंदो। चलो गाइस, तो मैंने यहाँ पर 160 पॉइंट बना दिए। वैसे मुझे यहाँ पर 100 पॉइंट के लिए बोला गया था, लेकिन कोई बात नहीं। ओ भाई, ये क्या? ओ भाई, नन यहाँ पर क्या कर रही है? पागल बुढ़िया कहीं पर भी अपना मुंह उठा के चली आती है। ओ गाइस, फाइनली हम लोगों को मास्क पीस मिल गया है, जिसके लिए हम लोग इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। चलो फिर इसको फुल कंप्लीट करने के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, कोई अपना बाहर इंतजार कर रहा है। सबसे पहले इस इंतजार करने वाले का सबर ही तोड़ देते हैं। एक बार मेरे को पकड़ के लिया तो अपने आप को पता नहीं समझ ही क्या रही है। ये ले भाई, क्या बेइज्जती है, इसको चलना तक तो आ भी नहीं रहा, ये मेरे पीछे भागने की बात कर रही है। ओके गाइस, तो काफी देर के बाद हम लोग फाइनली एक मास्क का पीस लेकर आ चुके हैं। तो चलकर इसको इसकी सही जगह पर लगा देते हैं। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर अपना अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर दी मिनी गेम रूम, और इस टाइम पे अपनी ग्रेल निकल कर जा चुकी है और अभी ये स्कूल के किसी कोने में जाकर छुप चुकी है। तो अभी मुझे इसको ढूंढ कर लाना है और इसको फिर से यहीं पर लगा देना है। तो गाइस, अभी मुझे यहाँ पर काफी देर से साउंड आ रहा है। ओ गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पर ग्रेल मिल चुकी है। तो चलो फिर फटाफट से इसको अपने सीक्रेट बेसमेंट में लेकर चलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग फिर से अपनी ग्रेल को लेकर आ चुके हैं अपने सीक्रेट बेसमेंट में और फटाफट से हम लोग इसको इसकी जगह पर रख देते हैं। ओके गाइस, तो अभी फिर से यहाँ पर एक लेजर निकल के जाने वाले है। ओके गाइस, तो अभी मुझे यहाँ पर कोई तो पेंटिंग शो हो रही है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को एक और न्यू पजल मिलने वाली है, जिसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पर गोल गोल घूमने लग गया है। ओके गाइस, तो इसके अंदर से मुझे कोई तो की मिल गई है। ओके, द मिस्ट्री ऑफ द सिमेट्री, कहीं ऐसा ना हो इस मिस्ट्री के चक्कर में हम लोगों की हिस्ट्री बन जाए, ठीक है? अभी मुझे यहाँ पर कोई तो सेफ की मिल गई है। वैसे मैंने पूरे स्कूल में ऐसा कोई सेफ लॉक नहीं देखा है जहाँ पर हम लोग इस की का यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर पूरा स्कूल छान डाला है, लेकिन अभी तक मुझे कोई आईडी नहीं है। ओ एक सेकंड, ये क्या है? ओ गाइस, यहाँ पर कब्रिस्तान क्या कर रहा है? मुझे पक्का पता है ये सब पहले नहीं था, ये सब अभी आया है। तो यानी सेफ की का यूज मुझे यहीं पे करना है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर पक्का नहीं पता है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। और ये क्या है? ओ गाइस, यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं, एक मून है, एक सन है और एक सर्कल है। तो यानी मुझे यहाँ पर कोई तो स्टोन ला के लगाने हैं जो कि इनकी जैसे शेप के हो। वैसे इन कवर के ऊपर ये पैटर्न क्यों बने हुए हैं? गाइस, ये कोई ना कोई पजल है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे एक शवल चाहिए ताकि मैं इन कवरों को खोद सकूं, ठीक है? तो सबसे पहले शवल को फाइंड करते हैं। ओके गाइस, तो अभी तक मुझे यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। ओ एक सेकंड, बोर्ड पे किसी का नाम लिखा हुआ है SM करके, इसका क्या मतलब हो सकता है? ओ यहाँ पर कोई पैटर्न है, यहाँ पर वही पैटर्न है जो कि कब्रों पे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। तो यानी इन दोनों का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। तो अभी सबसे पहले मुझे एक शवल चाहिए होगी। ओके गाइस, तो काफी देर तक ढूंढा ढांडी करने के बाद फाइनली हम लोगों को शवल मिल चुकी है। तो चलो फिर फटाफट से अपने शवल को लेकर चलते हैं कब्रिस्तान में। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग शवल लेकर आ चुके हैं कब्रिस्तान में। अभी यहाँ पर जितने भी कवर है सबको फटाफट से एक एक करके खोलना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ओके, ओ गाइस, मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? ओ अर्थ स्टोन मुझे यहाँ पर मिल गया। आई थिंक शायद सारे स्टोन मुझे इन कवरों में मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इस स्टोन को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और अभी हम लोग फटाफट से अपने शवल को उठाते हैं और यहाँ पर जितने भी कवर है ना सबको खोद डाल देते हैं बारी बारी से। चलो भाई, अभी इसकी बारी है, फटाफट से इसको भी खोदते हैं। चलो भाई खोद जाओ। और हाँ गाइस, इन कवरों के ऊपर पैटर्न भी बने हुए हैं, मुझे इनका भी ध्यान रखना है। आई थिंक गाइस, शायद मुझे किसी SM नाम के बंदे या फिर बंदी की कवर को खोदना है, जिससे मुझे थोड़ा सा क्लू मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो सभी कवरों पे पैटर्न बने हुए हैं और यहाँ पर तो नाम भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है। तो यानी मुझे कुछ इसी तरह से एक कवर ढूंढनी है जिसका नाम S से स्टार्ट होगा और शायद M उसका सरनेम होगा। ओ गाइस, यहाँ पे देखो, एक ही कवर में तीन तीन बंदों को लेटा रखा है। यहाँ पे ना सब कुछ अजीब ही चल रहा है। ओ भाई, ये क्या है? यहाँ पर नन क्या कर रही है? भाई यहाँ पर नन भी आएगी क्या? भाई ऐसे तो अपने सारे सीक्रेट रिवील हो जाएंगे। और अभी इसने मुझे इन कवरों को खोदते हुए देख लिया है और अब पता नहीं ये नन मेरे साथ क्या करेगी। मैं तो भाई यहाँ से भाग रही हूँ। बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले जन्म में। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने यहाँ पर नन से पीछे छुड़ा लिया है और अभी मैंने यहाँ पर काफी सारी कब्रों को खोद दिया है, ठीक है? तो अभी इसकी बारी। ओ भाई, ये सब कैसे
पॉसिबल है यार, कोई साउंड इफेक्ट तक नहीं आया। पागल बुढ़िया क्या जादू टोना कर रही है? अरे नहीं यार, मेरा लास्ट चांस करा दिया, ये सब इतने डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है? अगर गाइस अब की बार एविलन हम लोगों को पकड़ लेती है तो फिर अब बस अपनी हिस्ट्री बन के रहने वाली है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग दोबारा आ चुके हैं कब्रिस्तान में और अभी हम लोगों ने फिर से कब्र को खोदना स्टार्ट कर दिया। ओ गाइस, मुझे यहाँ पर वो एसएम नाम वाले बंदे की कब्र मिल चुकी है, वैसे ये एक नन है। ओके गाइस, तो फाइनली मुझे यहाँ पर पैटर्न मिल गया, लेकिन गाइस पैटर्न बहुत ज्यादा अजीब है, मैं इसको याद करूँ तो करूँ कैसे भाई। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने इसको ऐसे याद कर लिया है, दो बार आधा टी है और एक बार ई है। अब गाइस मुझे तो ऐसे पैटर्न याद हुआ है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पैटर्न वाली लोकेशन पे, फटाफट से यहाँ पर पैटर्न डालना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दो बार आधा टी है, ठीक है, फटाफट से आधा टी डायल करते हैं। अरे यार ये आधा टी का मर गया, आ जा भाई जल्दी से। ओके आ गया फाइनली। ओके तो यहाँ पर भी मुझे आधा टी करना है और यहाँ पर ई। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर अपना कोड डायल हो चुका है। ओके ओ गाइस, मुझे यहाँ पर सनस्टोन मिल गया, यही तो मुझे चाहिए, हम लोग इतनी देर से इसी को तो ढूंढ रहे हैं। अभी गाइस मुझे यहाँ पर एक मूनस्टोन और चाहिए। ओके गाइस, तो अभी हम लोग सनस्टोन को लेकर आ चुके हैं और अभी हम लोगों ने सनस्टोन को यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को लास्ट मूनस्टोन और चाहिए और वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, वो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ। ओ गाइस, मैंने यहाँ पर एक बड़ी क्लॉक देखी है जहाँ पर हम लोगों को टाइम सेट करना होता है। ओके, पहले आसपास चेक कर लेते। ओ यार ये नन मेरा पीछा कब छोड़ेगी, जब देखो जब मेरा ही दिमाग खाने के लिए चढ़ी होती है। ओके गाइस, तो ये है वो वाली क्लॉक जहाँ पर हम लोगों को टाइम सेट करना है, ठीक है। तो अभी मुझे इस मिनट वाली सुई को 45 पे सेट करना है, ठीक है भाई, फटाफट से 45 पे ले आओ इसको। चलो चलो यार जल्दी करो वरना नन यहाँ पे आ जाएगी। यप, अभी ये वाला डन हो चुका है। ओके, अभी फटाफट से इस घंटे वाली सुई को भी सेट करते। चलो भाई चलो चलो, अभी बस मुझे यहाँ पर नन का डर लग रहा है कि पीछे से आके धप्पा ना बोल दे। या अभी बटन प्रेस हो चुका है, इसको ओपन करो। ओ गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पर मून स्टोन मिल गया, यही तो मुझे आइए यार। चलो गाइस, अभी अपना सारा काम डन हो चुका है, चलो भाई चलते हैं फटाफट से। अरे नहीं यार, इसके होते हुए अपना काम कैसे डन हो सकता है, पागल बुढ़िया कहीं पे भी अपना मुंह उठा के चली आती है। ओके गाइस, तो मूनस्टोन को लेकर हम लोग आ चुके हैं कब्रिस्तान में और अभी मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब अपनी सेफ की गाइस इसको ले आओ, चलो भाई इसको ओपन करो। ओ ये अपने आप ही ओपन हो गया, यहाँ पर एक सेफ बॉक्स है, इसको मैंने ओपन कर दिया। ओ गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पर मास्क पीस मिल चुका है, मास्क का सेकंड पीस गाइस हम लोगों को फाइनली मिल चुका है। तो चलो फिर अभी जल्दी से अपने सीक्रेट बेसमेंट में चलते हैं। वेल ओके गाइस, तो अभी हम लोग मास्क का सेकंड पीस लेकर आ चुके हैं और अभी मैंने इसको इसकी सही जगह पर लगा दिया है। और अभी यहाँ पर ग्रेल फिर से बाहर निकल कर आ चुके हैं और अभी ये फिर से जाकर छुप चुके हैं स्कूल में और अभी हम लोगों को फिर से इसको ढूंढ के लाना होगा। तो चलो फिर फटाफट से हम लोग ग्रेल को ढूंढ कर लाते हैं, लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग ग्रेल को ढूंढ कर लेकर आ चुके हैं अपने सीक्रेट बेसमेंट में, अभी फटाफट से इसको सही जगह पर लगा देते हैं। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर ग्रेल को लगा दिया है और अभी हम लोगों को तीसरी पजल को और सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से फिर से लेजर निकल कर जा चुकी है और अभी हम लोगों को पेंटिंग शो हो चुकी है और अभी ये फिर से गोल गोल घूमने लग गया है। अब देखते हैं कि अपनी तीसरी पजल कैसी होने वाली है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अपनी अगली पजल क्या है, द मेज चैलेंज। ओके, तो अभी मुझे इसमें करना क्या है? ओ गाइस, मुझे कोई तो रेसिपी दी गई है, इसमें एक कैन है, एक शू है और एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो अभी मुझे ये सारा सामान कलेक्ट करना होगा। अब पता नहीं भाई ये सारा सामान मुझे कहाँ पर मिलने वाला है, बाय द वे पता करते हैं, पूरे स्कूल को छान डालेंगे, पर ये सामान हम लोग जरूर ढूंढ के रहेंगे। वेल ओके गाइस, तो इस रेसिपी को मुझे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अभी इसको मुझे यहाँ पर लगा देना है। अरे यार ये नीचे क्यों गिर रहा है, एक सेकंड, सबसे पहले इसको उठाना है और इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है गाइस। तो अभी मुझे बस यहाँ पर वो सारा सामान लाके लगाना है जो यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, ऑयल। ओ भाई ये नन कहाँ से आ रही है? अरे भाई ये तो भाई बिल्कुल सामने से आ रही है, अगर इसने अभी मुझे पकड़ लिया होता ना तो अभी यहाँ पर अपना मोए मोए हो जाता। ओके गाइस, तो इस ऑयल का यूज मुझे यहाँ पर करना था और अभी एलिवेटर नीचे जा चुकी है और अभी अपनी यहाँ पर रेसिपी भी नीचे जा चुकी है। तो अब बस मुझे यहाँ पर वो सारा सामान लाके लगाना है जो हमें चाहिए था, ठीक है। ओ गाइस, ये क्या यहाँ पर जंपिंग करने वाला कब आ गया? ओ गाइस, इसके अंदर काफी सारी स्प्रिंग है, अगर मैं इसके ऊपर जंपिंग जपा कर जंपिंग खेलते रहूँ तो अपने आप कोई ना कोई स्प्रिंग टूट कर गिर जाएगी, जिसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब बस मुझे यहाँ पर जंपिंग जपा कर जंपिंग खेलते रहना है और कोई ना कोई स्प्रिंग टूट कर अपने आप गिर जाएगी। ओ गिर गई गिर गई, चलो 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 भाई कोई तो स्प्रिंग गिरी। ओ गाइस, ये रही वो स्प्रिंग, चलो भाई इसको ले। ओके, इसे लेकर चलते। अरे यार तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही पागल। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्प्रिंग को लाकर रख दिया है एंड अभी हम लोगों को शूज और कैन भी फाइंड करने हैं, तो फटाफट से हम लोग उन दोनों को भी फाइंड कर लेते। बाय द वे यहाँ पर थोड़ा सा चिल्लर पड़ा है, इनको हम लोग बटोर लेते और यहाँ पर चेक कर लेते, पता चले कोपचे में कुछ पड़ा हो। ओके गाइस, तो फाइनली मुझे यहाँ पर शूज भी मिल चुके हैं, काफी देर ढूंढा रानी करने के बाद हम लोगों को फाइनली शूज मिल चुके हैं। तो अभी फटाफट से अपने शूज को लेकर चलते हैं अपनी रेसिपी के पास, सामने से नन तो नहीं आ रही है ना, चलो भाई। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने शूज को भी लाकर यहाँ पर रख दिया है एंड अभी बारी है कैन फाइंड करने की। ओके गाइस, तो फाइनली काफी देर तक ढूंढा रानी करने के बाद हम लोगों को फाइनली कैन भी मिल चुका है, तो फटाफट से इस कैन को अपनी रेसिपी के पास लेकर चलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग कैन लेकर पहुंचने वाले। ओ नो यार, ये नन यहाँ पे क्या कर रही है? जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तभी ये नन अपना मुंह उठा के चली आती है। भाई इतना बड़ा स्कूल है लेकिन इसको तो मेरे पीछे आना है, पागल बुढ़िया कभी तो चैन से सांस लेने दिया कर मुझे। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग कैन को भी लेकर आ चुके हैं, फटाफट से अपनी मशीन को चालू करते हैं। भाई चालू करो, इसको कैसे चालू होगी, ठीक है अभी मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा, ठीक है। इतने में हम लोग इस कैबिनेट के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं, वैसे 20 सेकंड लगेंगे अपनी रेसिपी को तैयार होने में, तब तक हम लोग अपने आप को इस कैबिनेट में बंद कर लेते हैं।
ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों की रेसिपी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। फटाफट से इसको ओपन करो। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्नीकर्स ऑफ हेस्ट बनाए हैं। इससे हम लोग काफी ज्यादा तेज भाग सकते हैं। और गाइस, मैं जानती हूँ कि इन स्नीकर्स का यूज हम लोगों को कहाँ पर करना है। गाइस, अभी हम लोगों को उस कमरे में जाना है जहाँ पर नन अपना जादू टोना करती है। तो गाइस, ये रहा वो खतरनाक सा कमरा, और इसके नीचे है एक सीक्रेट रास्ता जहाँ पर हम लोगों को जाना होता है। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया। गाइस, ये जो आप लोग आयरन बार्स देख पा रहे हो ना, ये थोड़ी देर में ओपन होंगे, और इन शूज को पहन के हम लोगों को किसी चेक पॉइंट तक पहुंचना है, जहाँ पर पहुंचने पर हम लोगों को मास्क का एक पीस मिलने वाला है। गाइस, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास 40 सेकंड है, फटाफट से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। हम लोगों को बस ये एक बार में कंप्लीट करना है। ओके, तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर बटन को प्रेस कर दिया है, अभी यहाँ पर अपनी रेस स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट ले लिया, और आगे से भी मुझे लेफ्ट लेना है। तो गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली थी। ओके गाइस, तो मुझे सामने से भी लेफ्ट लेना, और फिर से यहाँ पर राइट ले लेना, और फिर से मुझे यहाँ पर लेफ्ट ले लेना। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक चल रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आ चुके, तो अभी अपना गेम यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। ओके, तो यहाँ से मुझे कजन, ओके ये क्या गड़बड़ हो गया? अरे नहीं नहीं, ओके गाइस पहुंच गए, फाइनली हम लोग पहुंच गए। एक बार को तो मुझे लगा हम लोग रह गए। वैसे गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हम लोगों ने फाइनली कर डाला है। तो अभी ले आओ भाई मेरा मास्क का पीस का है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों को मिल चुका है अपना तीसरा मास्क का पीस। तो गाइस, जिस चीज के लिए हम लोग काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, वो चीज हम लोगों को फाइनली मिल चुकी है। चलो भाई, अभी बारी आ गई है यहाँ से बाहर निकलने की। ओके गाइस, तो अभी अपने तीसरे मास्क के पीस को लेकर चलते हैं अपने सीक्रेट बेसमेंट में। ओके गाइस, ये तो हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हम लोगों ने इस पजल को स्टार्ट किया था। ओके, तो ये रहा ऊपर से रास्ता, चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। ओके भाई, आसपास नन तो नहीं है ना, पता चले मेरे मुंह पे धप्पा मारे। वैसे भी अपना लास्ट डे चल रहा है, अगर हम लोग पकड़े गए ना तो अपना सारा का सारा गेम यहीं धरा रह जाएगा। और भाई ऐसे ही तो हम लोग अपने इस गेम को जाने नहीं देंगे, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब नन बस तुझसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, भूल के भी मेरे सामने मत आइयो। अरे यार, ये नन क्या करके मानेगी? गाइस, हम लोग एक ही सेकंड से बचे हैं। ओ गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। अगर यहाँ पर एक भी सेकंड की देरी हो जाती ना, तो अभी मैं यहाँ पर होती नहीं। वेल ओके गाइस, तो अभी हम लोग अपने तीसरे मास्क पीस को लेकर आ चुके हैं अपने बाकी मास्क पीसेस के पास। एंड अभी यहाँ पर अपना अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है, एंड इसी के साथ अपनी ग्रेल निकल कर जा चुकी है, अपने स्कूल के किसी कोने में जाकर छुप चुकी है। तो गाइस, अभी हम लोगों को उसको फिर से ढूंढ कर लाना होगा अपने सीक्रेट बेसमेंट में, एंड फिर से उसको यहाँ पर लगाना होगा। तो गाइस, इसी के साथ अभी हम लोगों के यहाँ पर तीन मास्क पीसेस कलेक्ट हो गए हैं, एंड अभी बाकी तीन मास्क पीसेस रह गए हैं। तो बाकी के बचे मास्क पीसेस को हम लोग आने वाले अगले एपिसोड में कलेक्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग बस तीन मास्क पीसेस को ही कलेक्ट करते हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो। बाय द वे, आने वाले अगले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेल, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।